हाल ही में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रेवाड़ी में वीरवार से कोविड टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। इसमें अब 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में ऐसे 1,30,000 के करीब लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच में है। वे सभी फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार हालांकि अभी तक सिर्फ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बुधवार तक जिले में कुल 50,000 लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन करवा ली है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीरवार और शुक्रवार को विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी कोसली के साथ सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील माही ने बताया कि अस्पताल में 1 अप्रैल को आयोजित विशेष टीकाकरण शिविर को लेकर तैयारियां की गई है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग पहुंचकर टीकाकरण करवाएं, जो आधार कार्ड को अपने साथ लाकर अस्पताल में अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा अधिकारी ने बताया कि बुधवार को जिले में 4 कोरोना संक्रमित और मिले हैं। मार्च माह में कोरोना का कहर बढ़ा है और इस दौरान 48 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अभी तक कुल 11,432 कोरोना मरीज पाए जा चुके हैं और 11,337 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कुल 76 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज 1 अप्रैल 2021 से हमारे पूरे हरियाणा प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे रेवाड़ी की जनता 45 वर्ष से ऊपर है, जिसकी उम्र, उसको कोई बीमारी है, अंडरलाइन कोमॉर्बिड इलनेसेस है या नहीं है, इसको इग्नोर करके ऑल 45 प्लस वाले आज हमने एलिजिबल गवर्नमेंट ने करे हैं, हम उनको वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। तो तकरीबन हमारे जो आज की वैक्सीनेशन करने के लिए जो हमारा टारगेट है, ये 15,000-16,000 के आसपास हम लगाएंगे आज। और इस टारगेट पूरा करने के लिए हमने जो साइट्स क्रिएट करी हैं पूरे रेवाड़ी ज़िले में, 43 साइट्स हमारी गवर्नमेंट में हैं और 9 हमारी प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, हॉस्पिटल्स में, कहाँ से जहाँ भी कोई बेनिफिशियरी लगाना चाहे बिना किसी संकोच के, बिना किसी इनकन्वीनियंस के जाके अपना वहाँ जाए, अपने को रजिस्टर करवाए और अपना वैक्सीनेशन ले जी। और ये बताना चाहूँगा कि जैसे 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव शुरू करी थी हमारे रेवाड़ी ज़िले में, तब से लेके आज तक तकरीबन 50,780 के आसपास हमने वैक्सीन कवर कर चुके हैं। और ये हमारा और अभियान के रूप में हम ले रहे हैं, हर मंगलवार हर सोमवार को हम ये पूरा मैसिव कवरेज करेंगे, ड्राइव चलाएंगे पूरे ज़िले में, ताकि जो जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, जिस स्पीड से कोरोना केसेस आ रहे हैं पूरे हरियाणा प्रांत में, उसकी स्पीड से दुगनी स्पीड से हम अपने वैक्सीनेशन कर सकें और अपनी जनता को बचा सकें। अभी मैं बता रहा हूँ कि सरकार की तरफ से और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज है, दवाई भी और अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी फॉलो करें। जो 3 मूल मंत्र हैं कोविड पैंडेमिक में, जो हमारा पिछले 1.25 साल का एक्सपीरियंस है कोविड को देखते हुए, हमारा मास्क लगा के रखें, हाथ को बार बार धोएं और अनावश्यक घर से बाहर मत निकलें और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये मूल मंत्र अगर हम अपनाएंगे, तीन मूर्ति का मूल मंत्र, तो हम कोविड को हम मार दे सकते हैं और अच्छे से जल्दी आके वैक्सीनेशन करवाएँ। और वैक्सीन कवर करने के लिए हमने पूरे ज़िले भर में, रेवाड़ी अर्बन में, गाँव में, हर जगह जाके हमने IC करवाई है। हमारे आशा वर्कर्स, हमारे ANM वर्कर घर घर जाके उन्होंने मोटिवेट किया अपने बेनिफिशियरीज को, उनको लाने की व्यवस्था हमने करी है। अपने रेवाड़ी अर्बन में भी हमने पूरा रेडियो जंगल चलवाए हैं, हमारे MC के जो व्हीकल्स हैं उसमें हमने मैसेज पास किए हैं, ये भी आप बिना किसी संकोच के, बिना डर के, बिना भय के हमारे पास आएँ। हमने पूरे बेनिफिशियरी की काउंसलिंग करी है, उनको मोटिवेट किया है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग फोरम से, तो इसका पूरा प्रचार प्रसार किया, ताकि जो जनता है वो आके अपना वैक्सीन लगवाएं और अपने को सेफ करें, अपने को बचाएं जी। ये पूरा रेवाड़ी में नहीं, पूरे प्रांत में, पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर से ये अवसर देखा जा रहा है कि रेवाड़ी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक रेवाड़ी की बात है, हमारे कल 4 केसेस निकले हैं और टोटल केसेस अभी तक। ब्रेकिंग न्यूज़।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक